आज भी भगवान राम है यहाँ के राजा। ओरछा का अयोध्या से रिश्ता है काफी पुराना। क्या है ओरछा की कहानी जिसने भगवान राम को बना दिया वहाँ का राजा? नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मोइत्रा। 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला राम मंदिर में विराजमान हो जाएंगे। सैकड़ों सालों के बाद ये शुभ मौका आया है राम भक्तों के जीवन में। इसके लिए कार सेवकों ने तपस्या की है, कई सालों का संघर्ष किया है, आंदोलन किए हैं, लड़ाइयां लड़ी, तब कहीं जाकर ये शुभ घड़ी आई। लेकिन ओरछा के साथ ऐसा नहीं। ओरछा की अलग कहानी। ओरछा का रिश्ता अयोध्या से बहुत पुराना है, लेकिन कहानी अयोध्या से बिल्कुल भिन्न है और आज उसी कहानी को हम आपको बताएंगे। अयोध्या में राम लला, ओरछा में राम राजा, यही है सबसे बड़ा अंतर अयोध्या और ओरछा में। और अयोध्या में रामलला के राम मंदिर के लिए कार सेवकों को कड़ा संघर्ष करना पड़ा, जबकि ओरछा में तो भगवान राम अपनी तीन शर्तों के साथ हमेशा के लिए विद्यमान। अब आप सोचेंगे कैसे, और ये अयोध्या और ओरछा के बीच की कड़ी क्या है? तो कड़ी है महारानी कुंवरी गणेश जी। महारानी कुंवरी गणेश ही वो कड़ी है अयोध्या और ओरछा के बीच, जिन्होंने इन दोनों जगहों को जोड़कर रखा। कहानी कुछ ऐसी है। 16वीं शताब्दी में ओरछा के बुंदेला शासक मधुकर शाह की महारानी कुंवरी गणेश अयोध्या से रामलला को ओरछा लाई थी, लेकिन इसके लिए महारानी को श्री राम की तीन शर्तें माननी पड़ी थी। दरअसल हुआ कुछ ऐसा था कि जब ओरछा के शासक मधुकर शाह कृष्ण भक्त हुआ करते थे, तब उनकी पत्नी यानी कि रानी कुंवरी गणेश राम भक्त थी। और जब प्रभु दर्शन को लेकर दोनों के बीच में चर्चा हुई, तो सवाल ये उठा कि वृंदावन जाया जाएगा या अयोध्या। बस इसी बात पर मधुकर शाह ने पत्नी के सामने शर्त रख दी कि अगर रानी भगवान राम को ओरछा ले आती हैं, तो वो रानी की बात मान जाएंगे। महारानी कुंवरी अयोध्या में प्रभु राम नाम का जप करने लगी। लेकिन जब काफी समय बीत जाने के बाद भी प्रभु प्रकट नहीं हुए, तो रानी कुंवरी ने सरयू में छलांग लगाकर जान देने का फैसला किया। उन्होंने सरयू की तरफ कदम बढ़ाया ही था कि भगवान श्री राम बाल स्वरूप में उनकी गोद में आकर बैठ गए। तभी रानी ने उन्हें ओरछा चलने को कहा, और उसी समय भगवान राम ने रानी के आगे तीन शर्तें रख दी। अगर रानी इन तीन शर्तों को पूरा करने को तैयार होती, तभी प्रभु राम उनके साथ ओरछा जाने को तैयार होते। अब वो शर्तें क्या थी? पहली शर्त, भगवान राम ने कहा कि मैं अयोध्या से ओरछा जाकर जिस जगह पर बैठूंगा, उस स्थान से फिर कभी नहीं उठूंगा। दूसरी शर्त, ओरछा के राजा के रूप में विराजित होने के बाद किसी दूसरे की सत्ता नहीं रहेगी। तीसरी शर्त, भगवान राम ने खुद को बाल रूप में पैदल एक विशेष पुष्य नक्षत्र में साधु संतों को साथ ले जाने की बात कही थी। ये कहने की बात नहीं है कि रानी ने भगवान राम की तीनों शर्तें मान ली और राजा राम ओरछा आ गए थे। तब से श्री राम यहाँ के राजा और भगवान दोनों रूप में पूजे जाते हैं। मान्यता तो ये भी है कि राजा राम अयोध्या के साथ साथ ओरछा में भी वास करते हैं। इस क्षेत्र में एक दोहा बहुत प्रचलित है, राम राजा सरकार के दो निवास, खास दिवस ओरछा रहत हैं, रैन अयोध्या वास। यही वजह है जो अयोध्या के रामलला के साथ ही ओरछा के भी राजा राम सुर्खियों में छा जाते हैं। ये सवाल हर बार सुर्खियों में रहता है कि अयोध्या जन्मभूमि की प्रतिमा ही ओरछा के राम राजा मंदिर में विराजमान है। इतिहासकार तो कहते हैं कि राम राजा के लिए ओरछा के मंदिर का निर्माण कराया गया था। बाद में उन्हें सुरक्षा कारणों से मंदिर के बजाय रसोई में विराजमान किया गया था। इसके पीछे तर्क ये दिया जाता है कि रजवाड़ों की महिलाएं जिस रसोई में रहती हैं, उससे अधिक सुरक्षा और कहीं नहीं हो सकती। कहा तो ये भी जाता है कि 1631 में जब भगवान राम ओरछा आए थे, तो उन्होंने संत समाज को ये आश्वासन भी दिया था कि उनकी राजधानी दोनों नगरों में रहेगी। बस तभी से ओरछा बुंदेलखंड का अयोध्या बन गया।
ओरछा के राम राजा मंदिर की एक और खासियत ये भी है कि एक राजा के रूप में विराजने की वजह से उन्हें चार बार की आरती में सशस्त्र सलामी गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है। ओरछा नगर के परिसर में ये गार्ड ऑफ ऑनर राम राजा के अलावा देश की किसी भी VVIP को नहीं दिया जाता, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को भी नहीं। और अब जब अयोध्या और ओरछा के बीच इतना गहरा कनेक्शन निकल ही आया है और अयोध्या में रामलला राम मंदिर में विराजमान होने जा रहे हैं, तो ओरछा से रामलला के लिए भला कैसे कुछ नहीं आता। तभी तो ओरछा से रामलला की जन्मस्थली अयोध्या तक पैदल कलश यात्रा निकालने की तैयारी। इस यात्रा के 23 जनवरी तक अयोध्या पहुंचने का अनुमान है। वहां भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर 125 क्विंटल प्रसाद, 1100 भगवा ध्वज श्री राम जन्मभूमि को भेंट किए जाएंगे। अब आप ही बताइए कैसा लगा आपको अयोध्या और ओरछा का ये रिश्ता जानकर, कैसी लगी आपको ओरछा में राजा राम के विराजमान होने की कहानी, कमेंट कर हमें जरूर बताइएगा। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना मत भूलिए।